न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कामठी में हुआ हादसा, बाइक स्लिप होने से एक की मौत, एक गंभीर जख्मी। दोनों डोज के बाद बूस्टर भी जरूरी, 19 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कामठी पीली नदी परिसर निवासी राजू कोरे और अभिषेक ओझा रविवार की शाम करीब 7 बजे आमडी गांव से मोटरसाइकिल से नागपुर आ रहे थे। बाइक राजू कोरे लापरवाही व तेज गति से चला रहा था, तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया जहां अभिषेक ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही कामठी पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का पंचनामा कर जख्मी को उपचार के लिए कामठी के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अभिषेक को मृत घोषित कर दिया गया। कामठी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी। अगली खबर, कोरोना संक्रमण से बचने और इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र प्रभावी उपाय वैक्सीनेशन है। कोरोना से पूर्व सुरक्षा के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन की पहली डोज से बनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने और संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए डोज को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कई अध्ययनों से पता चला है कि दूसरी डोज लगने के बाद कोरोना वायरस से 80% तक की सुरक्षा मिल सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि सेकेंड डोज होने के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लेनी जरूरी है। अगली खबर, आकोट मार्ग पर एक गोदाम में ऑटो रिक्शा में भरने के लिए घरेलू गैस का इस्तेमाल होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना के आधार पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी के विशेष दल ने छापेमारी कर करीब 19 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यहां से कुल 6,35,000 की सामग्री जब्त की गई। इस कार्यवाही में 3 इलेक्ट्रिक पंप जब्त किए गए। इन पंपों का उपयोग ऑटो में गैस भरने के लिए किया जा रहा था। इस कार्यवाही में आरोपी ओम प्रकाश चोपड़े निवासी भर जहांगीर तहसील रिसोड, मुकेश वाघभारी निवासी पंचशील नगर खरपा रोड, गुलाम अहमद गुलाम दस्तगीर निवासी इंदिरा नगर आकोट पैल, मोहसिन सैयद मकसूद निवासी पुराना शहर, मोहसिद उद्दीन मुजाफर उद्दीन निवासी भरत नगर आकोट पैल और गोदाम मालिक गजानन सांगले निवासी बन तहसील शेनगांव जिला हिंगोली यह फरार है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।